पंजाब में गए थे, होटल पे चल रहे, बहुत ज्यादा हमारे पुतला बना बना चला है यहाँ। हमने काम दिया है हलीउल्लाह वालों को। दर्शन करने के लिए आप लोग बहुत देर से यहाँ पर नालायक बैठे हुए हैं और महाराज जी के मुखारविंद से कुछ ना कुछ भगवान का जो भी आशीर्वाद आप लोगों के लिए दिया जाएगा उसे श्रद्धा विश्वास और प्रेम के साथ स्वीकार करना। महाराज जी ने सत्य संकल्प लिया है हिंदू राष्ट्र बनाने का और पवन की कोई भी ताकत सनातन को और संतों को बिता नहीं सकती है। लोग हमसे कहते हैं महाराज आप जहां जाते हो लफड़ा कर देते हो। अभी हम पंजाब में गए थे, होटल पे चल रहे, बहुत ज्यादा हमारे पुतला बना बना चला है यहाँ। हमने काम दिया है हलीउल्लाह वालों को। हमारे चक्कर में ना पड़िए। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मंगवा बंद करके महीने में एक बार, दो महीने में एक बार, तीन महीने में एक बार जब टाइम मिले बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देना। ना समय मिले यहाँ पर बालाजी के दर्शन करने कोनी में आते रहना, जाओ तुम्हारा काम असफल नहीं होगा, सब सफल होगा। तीसरी शर्त गंभीरता से सुनो मेरे पागलों, जितने भी लोग आज रात को हमारी बात सुन रहे तुम तो चमत्कार के चक्कर में आए,
लेकिन एक बात हम कहना जो चाह रहे वो ये है कि जिन बालाजी के बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते मेरे पागलों, तुम सदा सदा के लिए उनके हो जाओ, सदा सदा के लिए तुम उनके चरणों से जुड़ जाओ। उनके अलावा और देवता हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे, जो सुन रहे हनुमत बल बीना भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। राम जी के अलावा कोई भी इस दुनिया में नहीं है, उनके अलावा कोई तुम्हारे संकटों को नहीं काट सकता। क्यों? क्योंकि हनुमान जी संकट मोचन है। इसलिए मेरे पागलों, हम तुमसे यही कहना चाहते, आज से अपने घर पर ओम भागे सुनाए, ओम भागे सुनाए।